गाइस, दिस इज मी विशाद बिंदल और आप देख रहे हैं कार ऑब्सेशंस। तो चलिए आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। थंबनेल में जरूर देख लिया होगा, तो बेटर है कि सीधा चलते हैं उस चीज़ की अनबॉक्सिंग करने। तो ये रहा हीट एयर गन, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने इसलिए मंगाया था कि कभी किसी चीज़ को हीट करना है या कुछ भी करना है तो बहुत काम आती है। ज़्यादा महंगी नहीं है, 430 रुपये की पड़ी मेरे को एक्चुअली। अलग अलग ब्रांड की आती है, अलग अलग रेट की पड़ सकती है, अलग अलग क्वालिटी है। ये मेरे को मिडल क्वालिटी पड़ी, जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, मतलब मीन्स के वर्कर यूज़ करते हैं, जो अपने जैसे अपनी कार्स या बाइक वगैरह पे जो विनाइल रैपिंग करते हैं वो मोस्टली इसी के आसपास का खरीदते हैं। तो बेटर मैंने सोचा कि इसी टाइप का ले लेते हैं कि ज़्यादा महंगा लेने का फ़ायदा नहीं है। सब में टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम होती है, 19-20 का फ़र्क होता है। स्पेशल ब्रांड या जो अच्छे ब्रांड होते हैं वो क्वालिटी ज़रूर अच्छी रखते हैं, लेकिन तब भी वर्थ नहीं करता। अपन को ऐसे कोई बहुत सारा काम नहीं करना कि भाई सालों चलना चाहिए। अब कम यूज़ करोगे, ऐसी चीज़ तो है नहीं है कि भाई अपने हेयर ड्राई कर लेंगे तो बड़े चकाचक कड़क हो जाएंगे। हाँ, ट्राई मत मानना, नहीं तो पता लगे आपने करा, अगले दिन बाल नहीं दिखे। ये क्या हो गया मेरे बाल? फिर मत बोलना गंजा हो गए तो मुझसे मत बोलना फिर। तो सीधी बात है, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने बहुत फालतू मस्ती कर ली, पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं। ए आउट ऑफ फोकस मत हो, अभी आउट ऑफ फोकस मत हो। ये मैंने उठाया टैप, ये निकाला सामान, ये फ्लैप, ये दूसरा फ्लैप, और ये निकलने में थोड़ा ही खांसा निकालने में दिक्कत आएगी। वो कोने में बैठा हुआ था हीट एलिमेंट, सो ये बाहर आ गया है। और कुछ तो नहीं अंदर ना, एक और भी चीज़ है, ऐसा नहीं है। ये क्या है? हाँ, ये समझ गया मैं, यहाँ लगाने के काम आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें लगेगा जी, पता नहीं फोकसिंग का क्यों इशू हो रहा है इतना। आ गया। सो इसको मैं खोल लेता हूँ। ये एक्चुअली इधर जाएगा और ऐसा करके लग जाएगा, इसलिए है कि कभी लटकाना है उसके काम आता है, तो लटका लो उसे, जैसे नीचे रखने से बचाना है। तो ये अपने 3 मोड्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो, ये ऑफ है अभी, ये लो, और नीचे करोगे तो हाई, अभी ऑफ हो गया। प्लास्टिक क्वालिटी ना बुरी है ना अच्छी है, बिल्कुल मीडियम है और रेट वाइज ठीक है। इसकी वायर क्वालिटी भी मीडियम साइज की है, मीडियम क्वालिटी की है। इसकी भी क्वालिटी मीडियम है, ना बहुत हाई है ना बहुत लो है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। 450 के हिसाब से, मतलब 430 के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। तो उसको चला के देखते हैं, 1800 वॉट की है, तो उसे चला के देखते हैं। चलाने से पहले इसका ज़रा वायर भी तो करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा ना। हाँ दिया, असली थोड़ा अंधेरा अंधेरा चाह रहा था, अब वो चारा जाग गया है, सब अच्छी रिकॉर्डिंग कर रहा है। जो कपाट मैं जानता हूँ कि किसी को समझ नहीं आया हुआ, ठीक है, लेकिन चलता है। ठीक है, ये खुल गया है, तो उसको भी अनबॉक्सिंग कर ही लेते हैं आखिर में। ये निकल जा निकल जा, ये निकल गया है इस पन्नी को। अरे देखो तू कहाँ भागा चला जा रहा है, निकल जा, अबे छोड़ना ही नहीं चाह रहा, छूट जा, निकल गया। ये बनने गई अंदर हीट एलिमेंट के साथ अंदर, इसको लगाते हैं फिर बताता हूँ कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा लगा दिया, लगा तो दिया है लेकिन थोड़े से स्क्रैचेस आ गए, शायद आप देख नहीं पाओगे, ये मैं देख रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते होंगे हल्के हल्के स्लाइडली स्क्रैच देख रहे हैं, स्क्रैच आ गए लगाते हुए, नए नए प्रोडक्ट में स्क्रैच आ गए। और अभी नोटिस किया मैंने, कोई भी नई चीज़ हो कुछ नहीं कह सकते, ये हल्का सा डिफ़ॉल्ट है इसमें, पर ठीक है जुगाड़ चल जाएगा। देख रहा है आपको, दिखाता हूँ आपको, ये देखो हल्का सा डिफ़ॉल्ट है, ये भी हो सकता है ढीला होगा या टूटा होगा नई चीज़ में भी कुछ नहीं कह सकते, जब देखा जाता तो सही था, हो सकता है लाते करते में टूट गया होगा हल्का फुल्का, तो जो भी है चलता है, लाइफ यही होती है तो उसको चला के देखते हैं। ये मैंने प्लग लगा दिया है, इसको अच्छे से लगाना ज़रूरी होता है, जैसे अभी लूज़ कनेक्शन नहीं रहा, जैसे हीट के इशू नहीं होती। इसको ऑन कर दिया, अभी ऑफ मोड में है, इसको लो मोड पे चलाते हैं। आवाज़ आ रही होगी आपको, बहुत गर्म है।
फुल मोड पे, ये फुल मोड है। ओ गचक गया, काला चक गया आपको, लाल लाल हीट में और स्मेल भी आ रही है, या तो सच्चा नया है इसलिए आ रही हो, या जो भी हो हल्की सी स्मेल भी आ रही है। ठीक है, बढ़िया प्रोडक्ट है, यूज़ करके देखते हैं, आगे हो सकता कभी यूज़ करने की ज़रूरत होगी तो मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा उसे। सो गाइस, आई होप यू लाइक माय वर्क, माय एफर्ट, एक्चुअली एफर्ट नहीं लगा, चक गया वो अलग बात है। सो मे बी आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, उसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, जिससे मेरी जो भी वीडियो आने वाली है आगे तो उसकी आपको समझ गए आप, सीधी सी बात बोलो तो। और हाँ एक चीज़ और, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको ज़रूर चेक कीजिए, उसे चेक करेंगे तभी तो पता लगेगा कि कौन सी वीडियोस है मेरी, क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है, आप चेक करेंगे, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।